मैं हूं निर्मल कुमार और दोस्तों आज हम यहां नया गांव आए हैं डॉक्टर दिनेश के घर में और इनके यहां एक समस्या हो गई है। थोड़ी देर पहले लोगों ने हमें कॉल किया और बताया कि इनके सीढ़ी पे एक सांप देखा गया है, तो हमने आकर देखा तो वो एक नाग सांप है, कोबरा सांप है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, हम उसका रेस्क्यू करते हैं। अरे भैया उधर अंगना में जाइएगा, सीधा अंगना में जाइए, पकड़ा गया सांप का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक स्पेक्टिकल फोटो है और ये एक पक्के का घर है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है ना, पक्के का घर है लेकिन ये यहाँ इनकी सीढ़ियों पे था और अगर कोई आना जाना करता तो स्नेक बाइट होने का बहुत चांस था, हो भी सकता था। तो लोगों ने हमें कॉल किया और हमने वक्त रहते आकर लाइट पकड़ लिया है। देख सकते हैं दोस्तों ये कोबरा स्नेक है, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज कोबरा है और ऐसा स्नेक जब बाइट करता है तो पूरे अमाउंट में जहर छोड़ता है, इसलिए ऐसा सांप यदि काटता है तो आपको खास सतर्क रहना है और जल्द से जल्द बिना किसी झाड़फूक के चक्कर में पड़े हुए हॉस्पिटल जाना है और जल्द से जल्द जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना है। दोस्तों यह सांप अगर आपको काटता है तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 घंटे का समय होता है, नजदीक से ले लीजिए। हाँ, नजदीक के लेवल पर बोलो। हाँ, तो ये सांप यदि आपको काटता है तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 घंटे का समय होता है, इस दरमियान आप हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं और बच सकते हैं। देखने में दोस्तों काफी सुंदर लगता है लेकिन बहुत जहरीला होता है, हालांकि सांप बिना छेड़े काटते नहीं है लेकिन अब ऐसा घर है और सीढ़ियों पे था ये सांप और गर्मी का समय है, कोई भी अगर ऊपर आता तो स्नेक बाइट होने का खतरा बना हुआ था। चलिए हम इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। पकड़ा गया, बंद हो गया। तो कल शाम 3 बजे के बाद से हमने 4 स्नेक को टोटल रेस्क्यू किया है अभी तक और हमने लेकर नेचर में आ गए हैं दोस्तों रिलीज करने, तो एक एक करके हम सबको रिलीज करते हैं, बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड्स सबसे पहले हम रिलीज कर रहे हैं इस चेकर्ड किल्बो एक स्नेक है और इसे हम लोग ढोर सांप वाटर स्नेक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये वेनमस तो नहीं होता है लेकिन काफ़ी तेज अटैक करता है, हमला करता है, हमलावर सांप होता है, बहुत जल्दी डर जाता है और काफ़ी तेज हमला करता है। आप देख सकते हैं ये अक्सर पानी के आसपास रहना पसंद करता है, इसीलिए हम लोग इसे लेकर पानी के पास ही आए हैं। तो चलिए अब हम इसे रिलीज करते हैं, आप देखेंगे ये निकलेगा और बहुत तेज़ी से पानी की ओर चला जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसे हम लोग फॉल्स कोबरा भी कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे से ये थोड़ा सा हुड बनाते हुए चल रहा है और कुछ कुछ नाग की कोबरा की एक्टिंग कर रहा है, तो ये फॉल्स कोबरा भी कहलाता है। चलिए हम अब अपना अगला स्नेक लगा हमारा, वो रेड स्नेक है दोस्तों, इंडियन रेड स्नेक जिसे हम लोगों ने कल दिन में रेस्क्यू किया था। तो चलिए हम इसे भी रिलीज करते हैं और ये काफ़ी फुर्तीला सांप होता है दोस्तों और काफ़ी डर भी रहा है और जाने के लिए बेताब है, जल्दी आइए। चलिए आप देख सकते हैं किस तरह जाने के लिए वो उतावला हो रहा है और अभी हम जैसे ही डब्बा खोलेंगे और ढक्कन हटाएंगे आप देखिएगा कि ये किस तरह कितनी तेज़ी से भागेगा। ये आप देख सकते हैं ये कितनी तेज़ी से निकला और इस पेड़ के जड़ों में अंदर जाकर छिप गया। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला स्नेक को रिलीज करते हैं। तो दो स्नेक है हमारे पास जो कि वेनमस है, ये दोनों अभी तक हमने जो रिलीज किए थे ये दोनों नॉन वेनमस थे लेकिन अब हमारे पास दोनों वेनमस स्नेक है और दोनों स्पेक्टिकल कोबरा है और दोनों ही बेबी कहे जा सकते हैं, दोनों में से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक तो काफ़ी बेबी है। तो पहले हम एक सबसे छोटे वाले को रिलीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी गुस्से में है और हुड फैला के हमें डराने की कोशिश कर रहा है, तो चलिए हम इसे रिलीज करते हैं। आप देख सकते हैं साथियों यह कोबरा स्नेक एग्रेसिव हो रहा है और हमें डरा रहा है, नजदीक आइए और नजदीक आइए, पूरा नजदीक से ले लीजिए। हाँ
देख सकते हैं कि किस तरह हम डब्बा हिला रहे हैं। तो यह अपना मूवमेंट, अपना सर को, फन को, हुड को हिलाकर हमें चेतावनी दे रहा है। तो चलिए अब हम जाने देते हैं। बहुत छोटा लेकिन बहुत गुस्से वाला स्नेक। आइए जाते हैं। और ये थोड़ा बड़ा है उससे, लेकिन ये भी यंग कोबरा है। अब देख सकते हैं साथियों, ये कोबरा किस तरह हुड फैला के हमें चेतावनी दे रहा है कि मेरे पास नहीं आओ, नहीं तो मैं आपको बाइट कर लूंगा। आप आवाज सुन सकते हैं इसकी। काफी गुस्से में है साथियों। ये कल हमने जहाँ पकड़ा था तो ये सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, और उस घर में करीब 30-40 आदमी रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहते थे सारे। तो और गर्मी का समय है, और रात में अगर कोई गलती से जो है ऊपर जाता तो हो सकता था उसे स्नेक बाइट हो जाती, क्योंकि गर्मियों का समय है, लोग अक्सर हवा खाने के लिए छत पर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह बाइट ले रहा है, जूम करके लीजिए। अच्छा से छोटा लेकिन खतरनाक, जहरीला और काफी सुंदर सांप। तो चलिए हम इसे रिलीज कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा रिलीजिंग वीडियो पसंद आएगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सांपों की जानकारी के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ढेर सारे सांप देखने को मिले, और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हमारी सांपों की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कोई भी स्नेक रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते अगली बार फिर से और सारे स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।